आपके साथ प्रियंका राय, हमारे खास प्रोग्राम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज, करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो वर्तमान में जो विधायक हैं उनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हुआ है। ये पहला एमएलए है जिसको अपने श्रेणियों में अभी तक दिखा नहीं है। हमारे औसतन जो है यहाँ काम इतने अच्छे नहीं हुए हैं जितने होने चाहिए। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा 84 गांवों को मिलाकर बनाई गई थी, जिसके बाद इस सीट का नाम 84 पड़ा था। 84 प्रदेश की एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट है जिसके नाम का क्षेत्र में कोई गाँव या कस्बा नहीं है। आदिवासी बाहुल्य 84 के लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। गुजरात की सीमा से सटे होने के कारण इस इलाके में गुजरात की संस्कृति की झलक ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ के लोग व्यापार, चिकित्सा और रोजगार के लिए पड़ोसी राज्य का रुख करते हैं। वर्तमान में यहाँ से बीटीपी के राजकुमार रोथ विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री सुशील कटारा को हराया था। पार्टी आलाकमान से मतभेद के चलते राजकुमार रोथ बीटीपी से अलग हो गए हैं और भारतीय आदिवासी पार्टी नाम की पार्टी बनाने जा रहे हैं। विधायक राजकुमार रोहत ने नई क्षेत्रीय पार्टी बीएपी के लिए रजिस्ट्रेशन का आवेदन कर रखा है। भारतीय आदिवासी पार्टी का रजिस्ट्रेशन होने के साथ में उन्होंने टीएसपी क्षेत्र की पूरी 17 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का मानस बनाया है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे टीएसपी क्षेत्र में बीएपी जो है एक नई चुनौती बनकर उभरेगी। पिछले 20 साल के नतीजों पर नजर दौड़ाए तो कांग्रेस बीजेपी का यहाँ दबदबा नजर आता है। 1998 में कांग्रेस के शंकरलाल आहारी विधायक बने। 2003 में बीजेपी के सुशील कटारा विधायक चुने गए। 2008 में कांग्रेस के शंकरलाल आहारी विधायक बने। 2013 में बीजेपी के सुशील कटारा विधायक चुने गए। 2018 में बीटीपी के राजकुमार रोथ विधायक बने। आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस ने शंकरलाल आहारी को 6 बार टिकट दिया, जिसमें वो 4 बार चुनाव जीते लेकिन कभी मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन बीजेपी के टिकट पर जीते जीवराम कटारा और उनके पुत्र सुशील कटारा को मंत्री बनने का मौका मिला है। वर्तमान में 84 सीट पर करीब 2.25 लाख मतदाता हैं, जिसमें आदिवासी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 65% आदिवासी मतदाता हैं, करीब 15% ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं, तो 20% अल्पसंख्यक सामान्य और एससी वोटर हैं। विधानसभा की जमीनी पड़ताल में पता चलता है कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं की ज्यादा जरूरत है। सड़क, बिजली और पानी के लिए गांव में संघर्ष नजर आता है। वहीं क्षेत्र बड़ी औद्योगिक इकाइयां न होने के कारण रोजगार और पलायन भी बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र में एक भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। रोजगार के लिए गुजरात पलायन का मुद्दा है। लंबे समय से बाईपास की मांग हो रही है। मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं देने का आरोप भी लगाया जा रहा है। विकास कहाँ कराया? आज डूंगरपुर में गणेश जी गोगरा ने जो विकास कराया या अन्य सागर आसपुर में हुआ, उसके बराबर हुआ नहीं। 84 में जो मैंने प्रयास किए, जबकि मैं 10 साल से किसी पद पे नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैंने माननीय जोड़ो साहब से करके, चाहे रोडों को काम हो, चाहे कॉलेजों को काम है, RCB ऑफिस खुलवाने, बड़े बड़े रोडों को काम, ये सारे काम हम लोगों ने कराए। आपकी सिंचाई का काम, आपके पेयजल स्कीम 26 दिसंबर 2019 को CM को ला करके हमने घोषणा कराई और आज काम चालू हो गया। ये सारे विकास के आयाम दिए, उन्होंने ढकोसला किया, कड़ाना का पानी चलाएंगे और झूठ बोल के अब कहते हैं हमने तो पेयजल योजना देने का काम किया था। ऐसे झूठ बोलने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। वहीं स्थानीय विधायक राजकुमार रोथ का दावा है कि उन्होंने विधायक फंड के रूप में 12 करोड़ में से 7 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए हैं। वहीं लंबित कार्यों के चलते 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए। 886 करोड़ की पेयजल योजनाएं स्वीकृत करवाई। 3 पंचायत समितियों में कॉलेज बनवाए। 45 करोड़ रुपए से एनिकट का निर्माण करवाया। मैंने काफी कोशिशें की 84 विधानसभा के भौतिक विकास को लेके और आदिवासी समुदाय की समस्याओं को लेके काफी सफलता मिली। और मुख्य 3-4 ऐसी चीजें थी जो मैं चाह रहा था, प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। मुख्य रूप से 84 विधानसभा की बात करें तो जिला चिकित्सालय सिमलवाड़ा, उसकी हमने मांग रखी थी। सीएम साहब ने आश्वस्त भी किया था, लेकिन किसी कारणवश जनसंख्या कुछ कम थी, इस कारण से उप जिला चिकित्सालय जो डिमांड कर रहे थे वो सिमलवाड़ा का नहीं हो पाया।
इसके अलावा हमने पेयजल की जो था तो वो तो पूरा करा लिया करेणा से गेजी कटर, लेकिन सिंचाई परियोजना के लिए भी हमने डिमांड की थी, वो एक काम पूरा नहीं हो पाया। और यहां पर हमने गोविंद गुरु पेनोरामा तो करा लिया, लेकिन साथ ही हमने संसुरमाल महाराज की भक्ति संग्रहालय के लिए भी हमने डिमांड की थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। ये दो तीन ऐसी जो बड़ी डिमांड थी हमारी वो पूरी नहीं हो पाई, और आने वाले समय में अगर अवसर मिलेगा तो इन तीन डिमांड को हम जल्दी पूरा कराएंगे। विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का ही वक्त बचा है, लेकिन कई योजनाएं ऐसी हैं जो अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 84 के मतदाता किस प्रत्याशी पर दांव लगाते हैं। ये इस इलाके के अंदर तीन मुख्य नदियां हैं, मोरन, भादर और वात्रक। तीनों नदियों पे श्रृंखला वन एनीकट के लिए मैंने प्रपोजल तैयार किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को बजट घोषणा के द्वारा मैंने करवाया, तीन नदियां परियोजना करवाया और 100 करोड़ की परियोजना ये लाए। और इस परियोजना से पूरे 84 को तो बेनिफिट हुआ, सागवाड़ा को और आसपुर को, डूंगरपुर को भी बेनिफिट हुआ, वो भी सैंक्शन हो चुका है, उसका भी कुछ जगह वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं। मतलब 100 करोड़ के एनीकट तो वाटर लेवल एक शानदार तरीके, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी रही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये भक्ति भक्ति से जुड़ा समुदाय है, यहाँ गोविंद गुरु और संसुरमाल महाराज दो गुरु रहे हैं। तो हमारे जो छाणी मंगरी जो धाम है वहां पर हमने गोविंद गुरु पेनोरामा की डिमांड की थी, और गोविंद गुरु पहले संग्रहालय की डिमांड की थी, संग्रहालय में कुछ ऐसी चीजें नहीं मिल पाने के कारण हमने गोविंद गुरु पेनोरामा बनाया छाणी मंगरी, उसका भी काम प्रगति पर चल रहा है। इस तरीके से छोटे मोटे कई शिक्षा को क्षेत्र में लेके है, सड़क है, ये कई प्रकार की छोटी छोटी चीजें हमने कराई। और इसके अलावा आज ये क्षेत्रीय पार्टी से दो विधायक के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार करते हैं कि 84 और सागवाड़ा की दो विधायक, इनकी वजह से राज्य की सरकार बची। मेरी दृष्टि और 84 की जनता की दृष्टि से राव कुमार जी विधायक पूर्ण क्या जनता की आशाओं पर खड़े नहीं उतरे हैं, ये झूठ बोले हैं जनता में। यहाँ उन्होंने विद्वेष फैलाने का काम किया, जातियों में 36 कौमों में लड़ाई डालने के बाद कोई काम इनका रहा नहीं। 5 साल की उपलब्धि, शिक्षा का स्तर डाउन किया इन्होंने, लोगों को दीप भ्रमित किया है, कानून नाम के चीज नियम बताया, इससे इन्होंने कई ऐसे हथकंडे अपनाए जिससे कांग्रेस उनके प्रकरण भी हुआ, आपने देखा होगा। तो लोगों को दिग्ग भ्रमित नहीं किया, राज अशोक जी गहलोत ने जो योजना निकाली इससे लोग समझ गए कि ये लोग हमको गुमराह करते हैं और किसी हाल में ये काम के नहीं है। तो ये जातिगत संघर्ष के सिवाय इनके पास कोई नारा नहीं है, सिर्फ समाज का नाम लेके दिग्ग भ्रमित करने का 5वीं अनुसूची को लेकर कि हर मामले में फैले। विधायकों ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कितने काम कराए और जनता की नज़रों में कितना खरा उतरे, इसका लेखा जोखा लेने के लिए न्यूज़ 18 की टीम जो है वो हर विधानसभा क्षेत्र पर जा रही है। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा से। 84 विधानसभा में विधायक राजकुमार रोत जो कि BTP से चुनाव जीत कर आए थे और उन्होंने भाजपा के तत्कालीन राज्य मंत्री सुशील कटारा को हराकर विधायक सीट पर कब्जा किया था। विधायक राजकुमार रोत का कार्यकाल कैसा रहा और जनता के वादों पर वो कितने खरे उतरे, इस चीज को जानने के लिए आज हम यहाँ हमारे यहाँ पर साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मिलकर जानते हैं कि क्या उनका कार्यकाल कैसा रहा। सर बताएं कैसा रहा विधायक का कार्यकाल। विधायक जी का कार्यकाल तो जैसे वो चुनाव अभियान में आए राजकुमार जी, इन्होंने जो आम जनता से वायदे किए थे कि हम चुनाव जीत करके आएंगे तो हम 5वीं पास 8वीं पास को नौकरी देंगे और इस तरह से कई इन्होंने लोक लुभावने वायदे जो किए थे, और एक इन्होंने आम जनता के बीच में 5वीं अनुसूची की जो बात की थी उन्होंने, इसके बाद उन्होंने जो 1100 सनसेट जो नौकरियां काकड़ी डूंगरी पे जो प्रकरण चला वो दिलाने की बात की थी। तो जहाँ तक हम समझते हैं कि जो जनता से आम जो वायदे किए थे उस पर खरे नहीं उतरे। और जहाँ तक विकास का सवाल है, यहाँ हमारे 84 विधानसभा में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी 19 दिसंबर 2019 को हमारा यहाँ किसान सम्मेलन जो था इसमें पधारे थे। इसमें हमारे कांग्रेस के जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सम्मानित ताराचंद जी बगुरा जी, इनके नेतृत्व में कांग्रेस 84 विधानसभा के हाईकमान ने मांग की थी कि हमारे यहाँ पे सिंहवाड़ा में नगर पालिका बननी चाहिए। जैसे कि हमारे ये जोधपुर से जो उंडवा तक सड़क बनी उसकी मांग हमने CM साहब के पास रखी थी।
कई बड़े बड़े एनिकट हैं, जैसे अभी चारवाड़ा में एनिकट का माननीय मंदिर मालविया साहब ने शिलान्यास किया, बलवणिया में किया, और जो भी विकास यहाँ चौरासी में जो बड़े बड़े जो काम हुए हैं वो हमारे सम्माननीय बबूरा साहब ने हमारे सीएम साहब को यहाँ किसान सम्मेलन में अवगत कराए थे, वो काम पूरे जो सीएम साहब को बताए थे वो काम कांग्रेस के राज में हुए हैं। विधायक जो विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोत द्वारा जो वादे जनता से किए गए थे वो पूरा नहीं करने के बात यहाँ पर लोगों ने की है, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सर बताएं कैसा रहा विधायक का कार्यकाल? सर वर्तमान में जो विधायक हैं उनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हुआ है, उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं और भी करेंगे। साथ ही मेरा जो विपक्ष दल है उनका ये कहना है कि क्षेत्र के अंदर पांचवी पास की और आठवीं पास की जो बात कहते हैं वो सरासर गलत है। वो किसी वीडियो या कोई अखबार में या किसी नेता या जनप्रतिनिधि विधायक द्वारा नहीं कहा गया है। ये पांचवी पास की जो बात करते हैं वो पांचवी अनुसूची जो यहाँ पे शेड्यूल एरिया जो कहलाता है वो पांचवी अनुसूची 244(1)-3 के अधीन आता है। तो पांचवी पास की जो बात है वो सरासर गलत है, वो पांचवी पास की है नहीं, आठवीं पास की है नहीं। ये मनगढ़ंत और विपक्ष का लगाया गया एक मनगढ़ंत आरोप है ये हम लोग कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो वादे किए थे यहाँ सबसे ज्यादा फोकस हम लोगों ने एक क्षेत्र के अंदर किया है, तो स्वास्थ्य विभाग के लिए और शिक्षा विभाग को ज्यादा फोकस दिया हम लोगों ने। तो शिक्षा विभाग के अंदर तीन ब्लॉकों में तीनों कॉलेज आ गई हैं, दोनों सरकारी कॉलेज तीनों ब्लॉकों में आ गई है। साथ ही साथ सभी स्कूलों में चौरासी के जितने भी हैं चन्नू पंचायतों के विद्यालय हैं वहाँ पे हम लोगों ने यथाशक्ति और उनके संख्या अनुसार बच्चों की संख्या अनुसार टेबल स्टूल कंप्यूटर प्रिंटर और दरीपटिया वगैरह सारे दिए हैं। कहाँ का विद्यालय जहाँ प्रमोट करने थे, जो आज़ादी के बाद में जो पांचवी स्कूल थी आठवीं की स्कूल थी उन्होंने आगे प्रमोट किया है वो सारे काम सारे किए हैं। साथ ही विद्यालय में मतलब अच्छे काम किए हैं, जहाँ टीचर नहीं था वहाँ टीचर लगाने की पूरी कोशिश की है। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग में जो हॉस्पिटल नहीं थे वहाँ हॉस्पिटल खुलवाए 108 वगैरह वगैरह सारा कुछ उन्होंने काम किया है। मतलब हमारी जो जनता है आम जनता वो संतुष्ट है उनके कामों से और आगे भी संतुष्ट करते रहेंगे। किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर? आपने बुलाया उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये पहला MLA है जिसको अपने श्रेणियों में अभी तक दिखा नहीं है। कभी सुनते आए हैं तो ये मानली चौराहे पर आता है, कोई चार पांच लोगों से बिल करके चले जाते हैं। कभी एक आध बार कॉलेज के आए थे वो भी उनके जो बिल प्रदेश का था वो अपने उनका कॉलेज का कार्यक्रम उसमें आए थे। मैंने इनको चार बार लिखा साहब शिवड़ा के प्रबुद्ध लोगों की मीटिंग राजनीति छोड़िए, पर शिवड़ा के प्रबुद्ध लोगों की मीटिंग लिए शिवड़ा की क्या समस्या है यहाँ पर वो सुनो, उसके लिए आप एक बार आओ। पर अभी तक आज तक उन्होंने कोई मीटिंग ली है, शायद शिवड़ा का कोई व्यक्ति उनसे मिला ही नहीं, उनके पार्टी के दो चार कार्यकर्ता के अलावा कोई उनसे मिला नहीं है। यहाँ पर जो बड़ी समस्या है, यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, बड़ा थिएटर है, सुशीली कटरा ने पैसे दे करके यहाँ पर उस समय ये बड़ा 5 करोड़ रुपया मंजूर किया था और ये दवाखाना बना, पर इसके अंदर डॉक्टर पूरे भी नहीं है। जो भी दोनों स्कूल से प्रिंसिपल में दोनों स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, दोनों स्कूलों में आधे से कम स्टाफ है। कॉलेज का प्रिंसिपल भी बीजेपी का शासन गया तब से वो प्रिंसिपल भी चला गया, उसके बाद आज तक वहाँ पर कोई प्रिंसिपल भी आया नहीं है। यहाँ पर MLA साहब को कई बार हम कहते हैं साहब रिक्वेस्ट करते हैं पर्सनली व्हाट्सएप पर मैंने तो लिखा है आप आए बात कर रही हूँ, पर अक्सर उनका ध्यान चिखली तरफ रहता है, चिखली तरफ जाते हैं, चिखली तरफ वो कुछ काम करते हैं उसमें कोई मानदा नहीं करता हूँ, पर हमारे इलाके में जो काम होता नहीं है। हमारे की सीवरेज लाइन के लिए हमने बताया था कि जहाँ पर सीवर में गंदगी होती है सीवरेज लाइन चाहिए, यहाँ से हमारे गोधरा जो डूंगरपुर से गोधरा जो डियरेस्ट प्लेस है बॉम्बे दिल्ली का उसके लिए रेल लाइन चाहिए, उसके लिए भी आवाज़ उठाओ, वो कभी उधर आवाज़ उठाई नहीं। खाद की इतनी परेशानी रही पर किसानों को इतनी इस बार खाद की कि किसानों को खाद मिली नहीं, और जो उपज का मूल्य चाहिए वो किसानों को इस बार नहीं मिली। खराबा की जो सर्वे हुई इतनी गलत सर्वे हुई कि सिर्फ गलियाकोट में एक तहसील को मिला, बाकी जाके किसी भी तहसील को खराबा नहीं मिला है। जबकि हमारे सुशील जी के काम में जो हमारे कॉलेज यहाँ पर खोली तीन आई टी आई भी उन्होंने खोले, ये बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी उपलब्धि पेयजल की है। पूरे इलाके में हर गांव के अंदर टंकी पाइपलाइन बदलना सबसे बड़ा काम किया है, जो 40 साल के अंदर किसी ने नहीं किया वो काम किया, जिससे आप सब लोग है। बाकी वर्तमान MLA साहब सिर्फ चिकली साइड में उनका जहाँ दिखता है या उसके गांव के आसपास दिखता है, बाकी ये हमारा बीच वाला बेल्ट तो उधर छोड़ रखा है। हमने पेशलर्स के लिए भी हमारे जमीन दी। बाईपास को लेकर के किस प्रकार का प्रयास चल रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा आपका पहले तो सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। जहाँ तक बाईपास की बात है तो बाईपास में जो है काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी,
सभी के ध्यान में लाया गया था, लेकिन हमारे सम्माननीय पूर्व एमपी साहब ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और उसे स्वीकृत करवाया। जैसा कि मेरे पूर्व साथी ने कहा कि जो है पेयजल की काफी व्यवस्था हमारे कार्यकाल में हुई, जबकि उनको मैं बताना चाहूंगा कि उनके कार्यकाल में न होकर के कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है। और जो है अमरपुरा बांध से जो लाइन डाली गई और अमरपुरा को जो डेवलप किया गया वो उन्हीं की देन है। रही बात यहाँ बिजली की समस्या कुछ ज्यादा ही थी, तभी बिजली की समस्या के लिए हमारे माननीय एमपी साहब ताराचंद जी भगोरा ने हमारे एक्सीएन ऑफिस भी खुलवा दिया है और वो शीघ्र ही शुरू भी हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे औसतन जो है यहाँ काम इतने अच्छे नहीं हुए हैं जितने होने चाहिए। पुलिये में काम के देरी की वजह से क्या दिक्कतें आ रही है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। जो पुल हमारे बीजेपी के कार्यकाल में शुरू किया था, कार्य प्रगति पे है, मगर कुछ बजट के अभाव में अभी काम रुका हुआ है। जैसे ही हमें विश्वास है कि आने वाले समय में वापिस सरकार बीजेपी के आने पर उसको जल्द ही उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो जल्द पूरा करने का आश्वासन यहाँ पर मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, देखते हैं। सर कैसा विधायक का व्यवहार कैसा है? धन्यवाद सर। पहले तो आपको व्यवहार की बात करो तो ऑल ओवर राष्ट्रों के लिए तो बेहतर ही रहा है। और रही बात ये तो देखो विपक्ष पक्ष की बात है, जहाँ तक पानी की बात है तो 885 करोड़ रुपया जो उन्होंने सेंक्शन करवाया कडाणा बैकवाटर से गेजीघाटा तक का, वो लगभग सेंक्शन हो चुका है। आने वाले समय में वो काम भी शुरू हो जाएगा। आज तक का उनका जो कार्यकाल था जो रहा है वो काबिले तारीफ है। और रही बात विकास की तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी सरकार में ये हो गया तो अच्छी बात है, सरकार तो कांग्रेस की है लेकिन पैरवी करने वाला भी चाहिए। जिसने पैरवी की है वो वर्तमान में जिस सीट पर बैठा है वो वर्तमान विधायक है, वही पैरवी कर सकता है। बाकी बातें तो कहने और करने में फर्क पड़ रहा है। तो विधायक राजकुमार जो रोज जो है वो सत्ताधारी पार्टी से नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने विकास कार्य काफी करवाए ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। सर आपकी क्या राय है, कितना विकास हुआ क्षेत्र का? विकास तो छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, और पिछली सरकार के समय में जो विकास हुए हैं उसके अनुरूप ईश्वर इन 5 सालों में विकास देखा जाए तो ठप रहा और केवल घोषणाएं। राहत शिविर जो लगाए गए उस राहत शिविर में केवल लोगों को इकट्ठा करने का रुझान था, बाकी विकास के नाम से कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। राहत शिविरों को छलावा बता रहे हैं लोग यहाँ पे, हालांकि काफी लोगों ने राहत शिविरों की तारीफ भी की है। सर आप बताएं जो सत्ता पक्ष का नहीं होना विधायक का इस क्षेत्र के विकास में कितनी बाधा बना? सत्ता पक्ष का तो विकास में भी जो राज कांग्रेस का है और यहाँ कांग्रेस का एमएलए नहीं बना, बीजेपी का एमएलए बना, तो उन्होंने जो काम की वो हमारी कांग्रेस की ही देन। आज राहत कैंप के मार्फत से राजस्थान के अंदर कितने लोगों को चिरंजीवी योजना का फायदा हुआ, जिसके बाद लाइट बिल का फायदा हुआ, आज जीरो बिल आ रहा है। कोरोना काल के अंदर अशोक जी गहलोत ने जो काम किए और हमारे ताराचंद जी भगोरा जो घर घर घूमे, इसमें हमने सुशील जी का भी क्या रोल है कोरोना काल के अंदर, और हमारे राजकुमार जी का भी जनसंपर्क तो कम होता जा रहा है, क्योंकि राजकुमार जी जो एमएलए बीटीपी के नहीं, वो हमारे पूरे 84 विधानसभा के क्षेत्र का, पर 84 विधानसभा के क्षेत्र होने के नाते इनका कोरोना काल में और सुशील जी का भी कोरोना काल में कोई संपर्क नहीं रहा, जबकि हमारे भगोरा जी जो थे घर घर घूमे और इतनी योजनाएं लाए, जनता को जिंदा रखा, कोरोना काल की हालत तो आप जानते हो। इसके बावजूद भी भगोरा जी की 70 साल की उम्र के होने बाद भी अपनी मतलब उन्होंने अपनी उम्र की चिंता नहीं की और पूरा फील्ड घूमे और कोरोना काल में लोगों को संतुष्ट किया, लोगों को दवाई दिलाई और लोगों को गेहूं दिलाई। ये सरकार के देने अशोक गहलोत और राजकुमार जी ने भी जो काम किए हैं अगर इस इलाके में तो अशोक गहलोत के देने, क्योंकि भगोरा जी ने जो लिखा वो राजकुमार जी ने लिखा है। तो भगोरा जी भी तो हमारे मतलब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव रहे हैं, आज की तारीख में आईसीसी के सदस्य रहे हैं, तो उनके भी लेटर पर और उनके लेटर पर टकरा रहते थे, इसलिए विकास हुआ है। विधायक राजकुमार रोत ने सरकार को संकट काल में समर्थन देने के बदले क्षेत्र को करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाने की दावा किया है, कितने सही है ये दावे की कितना विकास करवाया? पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जो बात चल रही है कि विकास कार्य के बारे में कि इस 5 साल के अंदर जो विकास के कार्य हुए हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस का शासन है अभी 5 साल तक का शासन था उसके अंदर आम जनता जानती है, सभी ने देखा है कि मुख्यमंत्री जी और पायलट साहब उनके आपसी झगड़ा ही रहा, कुर्सी का झगड़ा ही रहा, विकास के नाम पे बिल्कुल काम ठप रहा है। मैं हमारे जो अभी बंधु ने कहा है कि कोरोना काल के अंदर हमारा जो
मोदी जी थे, जिसके कारण आज विश्व के अंदर जो कोरोना के जो टीके दिए गए, आज वर्ल्ड उसका पूरा विश्व आज उसका आभार मान रहा है कि मोदी जी के कारण आज विश्व के अंदर जो कोरोना की स्थिति और कोरोना के समय में हमारे यहाँ के जो नेता, लोकल नेता, चाहे रतनपुर में हो, चाहे कालियाकुआ में हो, चाहे कहीं भी हो, हमारे जो कार्यकर्ता थे वह कहीं न कहीं आगे थे और आने वाले जो लोग थे उनको जो सुविधा देना चाहते थे वो हमने सब सुविधा हर जगह जगह पर उनको सुविधा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया है और आज विश्व जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं और मोदी जी के द्वारा आज विश्व के अंदर जो काम किए जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा इस क्षेत्र के अंदर 84 के अंदर भी कि हमारे जो पहले परिवहन सुविधाएं थी, कितनी बसें रोडवेज की चलती थी और आज की तारीख में कितनी बसें चल रही हैं। पीट सबसे बड़ा डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव है। अभी हमारे अशोक माननीय अशोक जी गहलोत साहब पधारे थे और उन्होंने एक उप तहसील की घोषणा की है। पीट से 1 किलोमीटर आगे भंडारी और उसके पास में पीट सबसे बड़ा कस्बा है और उस कस्बे को इस तहसील में रखा जा रहा है और 1 किलोमीटर का आदमी 8 किलोमीटर आएगा और उधर से आने वाले सभी पीठ में और भंडारी की तरफ जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ना तो बसें मिलती हैं, ना टेम्पो में बैठ के लोग ऐसे सफर करते हैं और डूंगरपुर से जो चलने वाली 7-8-10 बसें चलती थी उसकी जगह आज की तारीख में 2 बसें केवल डूंगरपुर से लोकल बसें आती हैं और आम जनता इससे त्रस्त है। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो घर घर सुशील जी के द्वारा घर घर टापरे टापरे के अंदर जो योजना ये बिल की विद्युत की पहुंचाई गई है और केंद्रीय मंत्री के द्वारा घर घर नल की योजना पहुंचाई गई, ये केंद्र की सरकार की उपलब्धि है पूरी। तो बिजली की समस्या के समाधान की बात इन्होंने की और खासकर इन्होंने जो परिवहन की समस्या के बारे में बताया, 84 विधानसभा जो है वो गुजरात की सीमा से लगती है और गुजरात के जो लोग हैं वो काफ़ी संपन्न है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की बात करें 84 में तो लोग काफ़ी दयनीय स्थिति में यहाँ के जो किसान हैं वो जी रहे हैं। गुजरात से सटे होने के यहाँ पर क्या फ़ायदे या नुकसान है? गुजरात से सटे हुए से फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ पर लोग बहुत काफ़ी बेरोजगार हैं तो वहाँ गुजरात जाके रोजगार प्राप्त करते हैं। दूसरी बात देखा जाए हमारे विधायक महोदय की, तो जनता का रुख इस बार विधायक से बहुत ठीक अच्छा नहीं है क्योंकि जनता के हित की जो भी आवाज़ें थी विधानसभा में जरूर उठाई लेकिन उसके लिए कोई अमल नहीं हुई। और काकरी डूंगरी का प्रकरण देखा जाए 1167 सीटें जो बेरोजगारों के लिए उन्होंने एक प्रोपोगंडा की तरह लोगों में बच्चों में भ्रांति डाल के ने काकरी डूंगरी पर चढ़ाए गए उसका मुद्दा विधानसभा में जरूर उठाया लेकिन हमारे यहाँ पर अशोक गहलोत जी सीएम साहब 4 बार हमारे डूंगरपुर जिले में आए, आज तक दोनों विधायक न हमारे विधायक मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, उस बात को न हमारे क्षेत्र में उठाया गया। बीजेपी और कांग्रेस के साथ में राजकुमार रोत ने भी अपनी क्षेत्रीय पार्टी के साथ में यहां पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले के साथ में रोचक हो सकता है। जयेश पवार, न्यूज 18 राजस्थान, डूंगरपुर।